हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन परमेश्वर के ज्ञान का महत्व, जिस तरह होशे की पुस्तक अध्याय 4:6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गए, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम होशे की किताब को पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर ने कहा कि ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, और परमेश्वर ने होशे को अपने लोगों के पास वचन सुनाने के लिए भेजा, क्योंकि वह मूर्ति पूजा में फंस चुके थे और परमेश्वर पर उनका विश्वास नहीं था। परमेश्वर ने होशे की तुलना एक व्यभिचारी औरत के साथ की, जो अपने पति के बार बार छोड़ देती थी। उन लोगों ने भी ऐसे ही किया, वे परमेश्वर को छोड़कर और दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने लगे, क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं था। मेरे प्रियो, आज भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जो परमेश्वर को मानते हैं पर वचन को नहीं पढ़ते, वचन पर मनन नहीं करते, फिर वे पाप करते हैं, फिर उनके जीवन में दुख मुसीबत परेशानी आती है, फिर वे परमेश्वर को बुरा बोलते हैं और बोलते हैं कि हम तो मसीही हैं, तो हम पर फिर भी दुख मुसीबतें क्यों आई हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, वह भी अन्य जाति लोगों की तरह करते हैं। मेरे प्रियो, आपके दुख मुसीबत बीमारी आपको तब ही छोड़कर जाएगी जब आप प्रार्थना करते हो, वचन को पढ़ते हो और उस पर मनन करते हो। जब आपको वचन का ज्ञान होता है तो आप पाप नहीं करते, फिर आप वही करते हैं जो वचन में लिखा होता है, फिर आप अपने दुख मुसीबत बीमारी से आज़ाद होते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि इजरायली लोगों के पास ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने पाप किया, मूर्ति पूजा की और उनके ऊपर दुख मुसीबतें परेशानी आई, पर जब उन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान हुआ, फिर उन्होंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी और परमेश्वर ने उन्हें माफ़ किया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उस पर मनन करें और अपने पापों की माफ़ी मांगें, फिर परमेश्वर आपको माफ़ करेगा और आपको आपके दुख बीमारी परेशानी से आज़ाद करेगा और आपको आशीषित करेगा। इसलिए आज से ही प्रार्थना करनी और वचन पढ़ना शुरू करें, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आमेन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचनों को पढ़ूंगा, प्रार्थना में बढ़ूंगा और वचनों पर मनन करूंगा। मैं हमेशा आपके कामों को करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको इस पवित्र वचन के द्वारा आशीषित करे, आपके मनों को साफ करे, पाक करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन।